सब्जी पानी दे दी। हाँ बेटा चलो, ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ पे गोवर्धन पूजा करने के लिए। शिवानी आओ इधर बेटा जल्दी से, अभी कोई आया नहीं होगा। ये देखिए ये बने हैं गोवर्धन महाराज, गोबर गाय के गोबर से बनाए जाते हैं गोवर्धन महाराज की ये प्रतिमा बनती हैं। तो गाइस फाइनली देखिए हम आ चुके हैं जहाँ पे गोवर्धन महाराज का पूजा होगा। हम लोग के वहाँ नहीं होता है ये पूजा, हम लोग की आंटी जी आई हैं, उनके साथ मैं आई हूँ देखने कि ये पूजा कैसा होता है, कैसे होता है। हम भी ब्लॉग में बने रहे और देखिए ये पूजा कैसे करते हैं लोग। ये देखिए यहाँ पे जो सिनोरा जिसे सिंदूर लगाते हैं वो भी हम लेकर के आते हैं पूजा करने के लिए। देखिए यहाँ पे बने हैं गोवर्धन महाराज और मेरे साथ शिवानी सानवी भी आई हैं। ये देखिए शिवानी और सानवी हो ये आंटी जी क्या अच्छा अब इनको लगेगा ये सिंदूर है ना आंटी जी। ये देखिए यहाँ पे सिंदूर का जो सिनूर होता है नहीं सब पे नहीं लगे, गोवर्धन महाराज टीके जाते हैं जो भी पे लगाए प्रतिमा बनी है गोवर्धन महाराज की उनको हम सबसे पहले सिंदूर लगाते हैं। देखना बेटा स्लीपर पहन लो शिवानी तुम। चढ़ाने के लिए बोली थी, चढ़ाने के लिए बोल रही थी। ये रुई भी चढ़ता है टीका लगाने के बाद। ये देखिए ये आता है चौपाई जैसे करके, इसमें भूजा मिठाई आती घोड़ा चीनी का बना मिलता है, प्रसाद ये सब चढ़ाया जाता है। ये पूजा हो जाएगा उसके बाद सब कोई आके इसको कूटते हैं ना इनको। वो बाद में होता है बेटा। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ही आए हैं पूजा करने के लिए। अभी पूजा स्टार्ट हुई है, धीरे धीरे करके काफी लोगों का यहाँ पे भीड़ लग जाएगा। लड़कियां क्यों नहीं खाती आंटी जी इसका प्रसाद? अच्छा हाँ लड़के ही खाते हैं प्रसाद, इसीलिए भाई दूज बोलते हैं ना। हाँ आज हम लोग सुबह इधर बहुत लोग यहाँ तो हम देखे नहीं सब लोग लेकिन हम लोग सुबह देखिए सबसे पहले हमने पूजा किया। अब धीरे धीरे लोग आने स्टार्ट हो गए हैं और अब ब्लॉग में बने रहिए और देखिए भाई दूज का पूजा कैसे होता है और हम लोग कैसे कैसे इसे मनाते हैं। और तो आधा खाना अब कुछ बना के कुछ को परि चढ़ा दे फिर जाए तो बताए। ये देखिए यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और सब धीरे धीरे बारी बारी पूजा करने में लगे हुए हैं। बेटा है उधर है उस साइड में। देखो कैसे की देखी सुतले भाई
इतना मेहनत करने वाला लोग।